नमस्कार, मैं हूं वर्षा शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास शो मिशन फिट रहो में। आज बात स्किन प्रॉब्लम्स यानी त्वचा रोगों की करेंगे। वैसे तो त्वचा रोग कभी भी हो सकते हैं, लेकिन स्किन का बाहरी वातावरण से सीधा संपर्क होने पर ये गर्मी के मौसम में थोड़ा ज्यादा होते हैं। सूरज की किरणों से गर्म हवाओं तक हमारी त्वचा को काफी नुकसान पहुंचता है। आइए जानते हैं त्वचा में होने वाले रोगों का इलाज कैसे करें। त्वचा रोग के किसी भी इलाज के बारे में हमारे एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जांगिड बियल हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू। और हमें ये बताएंगे कि स्किन में होने वाली जो परेशानियां हैं उनका समाधान आप किस तरह से कर सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं, नंबर्स टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं और शो को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मौसम तेजी से बदल रहा है और बदलते मौसम के साथ साथ त्वचा में बदलाव आता है। गर्मी के दिनों में तेज धूप और गर्म हवाएं त्वचा को काफी नुकसान पहुंचाती है। इस मौसम में पसीने की चिपचिपाहट का भी सामना करना पड़ता है। गर्मी के मौसम में पसीना अधिक निकलने की वजह से त्वचा से जुड़ी बीमारियां भी होती हैं। त्वचा में होने वाली बीमारियां धूप से त्वचा का जलना, एलर्जी, फोड़े फुंसी, दाद, चकत्ते, घमौरियां, मुहासे, खुजली, अल्सर और सफेद दाग। गर्मियों में त्वचा का विशेष ध्यान देना पड़ता है। समय रहते त्वचा का ख्याल न रखा गया तो त्वचा रूखी हो जाती है। ऐसे में अपनी स्किन का ख्याल रखना एक बड़ी चुनौती होती है। त्वचा का ख्याल रखें, 8 गिलास पानी पिए, नियमित डाइट लें, स्क्रब का इस्तेमाल करें, मॉइस्चराइजर लगाएं, सनस्क्रीन लगाएं। गर्मी में चिलचिलाती धूप और धूल भरी हवा त्वचा की नमी को दूर कर देते हैं। ऐसे मौसम में घर से बाहर निकलने से पहले धूप से बचने के लिए चेहरे को ढक लें। डॉक्टर साहब, ये रिपोर्ट आपने देखी, आमतौर पर बिल्कुल स्किन प्रॉब्लम्स जो होती हैं बहुत ज्यादा आम होती हैं, लेकिन अगर हम गर्मियों के मौसम की बात करते हैं तो अब आपसे जानना हम चाहेंगे कि कौन कौन सी ऐसी स्किन प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन होती हैं, उनसे कैसे बच सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, स्किन, हम जानते हैं कि स्किन का जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन होता है, और ये जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है स्किन का वो बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन क्या होता है कि ज़्यादा गर्मियाँ या ज़्यादा सर्दियाँ हमारी स्किन के लिए उतनी अच्छी नहीं होती है, हमेशा चैलेंजिंग रहती है। और जहाँ तक गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में या फिर जो सनलाइट की बात करें तो वह दो तरह से हमारी स्किन को डैमेज कर सकता है। पहला तो जो डायरेक्ट सनलाइट होती है, इसको बोलते हैं यूवी रेडिएशंस, उससे आपकी स्किन को डैमेज हो सकता है। उसकी वजह से आपको जैसे कि सन एलर्जी होना, स्किन का टैनिंग होना या सनबर्न होना, ये काफ़ी कॉमन है, काफ़ी आम है। और दूसरा होता है हीट, जो सन रेडिएशन में जो हीट आती है उस हीट की वजह से आपको स्किन को डैमेज हो सकता है, और हीट की वजह से ज़्यादा पसीना आता है, और ज़्यादा पसीना आने की वजह से आपको स्किन थोड़ा सा बैक्टीरिया के लिए एंड फंगल के लिए, इन्फेक्शन के लिए लेबल हो जाता है उस चीज़ को। तो क्या है कि उसमें बैक्टीरिया के और फंगस के इन्फेक्शन कॉमन होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि फंगल इन्फेक्शन और मुहासे को काफ़ी कॉमन होते हैं उसमें, और घमोरिया भी काफ़ी कॉमन होती है, और साथ में जैसे कि रोजेसिया नाम की बीमारी होती है वो भी काफ़ी कॉमन होती है। डॉक्टर साहब, सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, जाहिर सी बात है गर्मी है तो सन एक्सपोजर होता ही है, हम बाहर निकलते हैं, तो उससे बचने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर जो है वो उसी से होता है। देखिए, मैं मानता हूँ कि बचाव ही उसमें उपचार है पहले, तो मेरा ये मानना है कि आप जितना सन प्रोटेक्शन कर पाओ उतना अच्छा है हमारे लिए। और सन प्रोटेक्शन मतलब बैरियर्स, आप छाता यूज़ कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि अपना शरीर जितना से जितना ढक पाए उतना अच्छा है हमारे लिए। और सनस्क्रीन का काफ़ी रोल है इसके अंदर, तो सनस्क्रीन को एक प्रॉपरली आपको लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सनस्क्रीन एज ए क्रीम नहीं है, ये एक तरह का ऐसा एक बैरियर मेथड है जो कि आपको स्किन को सनलाइट से बचाएगा। तो बाहर जाने से आधे घंटे पहले आप ज़रूर सनस्क्रीन लगाइए, और सनस्क्रीन आपको एक थिक कोट लगाना है ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्किन का प्रोटेक्शन हो पाए। और आपको स्किन के अकॉर्डिंग आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए। अगर आपका स्किन जरा ड्राई है तो आप क्रीमी फॉर्मुलेशन, इस तरह का सनस्क्रीन आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका स्किन ज़्यादा ऑयली है तो आजकल काफ़ी अच्छे सनस्क्रीन आ रहे हैं जो कि ज़्यादा स्किन को ऐसे ज़्यादा ऑयली नहीं होने देते हैं, तो आपको यूज़ करना चाहिए। यूजुअली आपके लिए सनस्क्रीन SPF 30 इज़ मोर देन सफिशियंट फॉर आवर इंडियन स्किन, बट अगर बाहर जा रहे हैं जैसे हिल स्टेशन वगैरह पे जा रहे हैं तो आप SPF 50 भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो हम अवॉइड करते हैं वो है बार बार नहीं लगाना। सनस्क्रीन का जो इफेक्ट होता है वो 2 से 3 घंटे तक ही होता है, तो हमें हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि हम 2 से 3 घंटे में बार बार बराबर सनस्क्रीन लगाएं।
और डॉक्टर साहब, कई बार मैंने भी ऐसा सुना है, लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है सनस्क्रीन को इस्तेमाल करने को लेकर। कई डर्मेटोलॉजिस्ट उनको ये रेकमेंड कर देते हैं कि शायद सेफ नहीं होता है, ये कंफ्यूजन भी जरा प्लीज दूर करिए लोगों का। देखिए, सनस्क्रीन आजकल इतनी अच्छी सनस्क्रीन बन चुकी है कि स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है, तो इसके लिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि सनस्क्रीन लगाने से स्किन कैंसर हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, सनस्क्रीन तो आपको स्किन कैंसर को बचाता है। हमारी इंडियन जो स्किन होती है, तो उसके लिए सनस्क्रीन, जैसे मैंने बताया, SPF 30 काफ़ी अच्छी होती है, तो उसको बराबर हमें यूज़ करना चाहिए और बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंजू जुड़ी हैं हरिद्वार से। जी अंजू, क्या कुछ आप पूछना चाहती हैं? अंजू, अपने टीवी का वॉल्यूम अगर आप कम कर देंगे तो आपका सवाल हम ठीक से सुन पाएंगे, जवाब भी दे पाएंगे। वॉल्यूम कम करो। हेलो जी अंजू, अपना सवाल कर सकती हैं आप। हेलो, हाँ हेलो अंजू जी, बताइए बताइए। हेलो सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, एक्चुअली हमने फंगल बहुत ज्यादा है स्किन पे। जी जी। और वो स्किन बिल्कुल काली हो गई है, बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, तो ये किस वजह से है और इसका क्या मतलब, पूरी बॉडी में ही हो रखा है फंगल, बैक में, कमर में, मतलब सब। ओके ओके, देखिए अंजू जी, ऐसा है कि फंगस इन्फेक्शन अभी समर्स में काफ़ी कॉमन है और उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना आपको बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं कि कुछ ट्रीटमेंट लेते हैं, जब आपको आराम मिल जाता है तब आपको ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं और डॉक्टर के पास वापस विजिट नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। इसका ट्रीटमेंट आपको पूरा लेना है, पूरे समय तक लेना है। देखिए, जब आप पहली बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बीमारी क्या है मुझे और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है और कितना हम मुझे लेना पड़ेगा, तभी हम उसका पूरा ट्रीटमेंट ले पाएंगे और तभी ये फंगस आपको पूरी तरह बॉडी से आपके जा पाएगी। तो आप अगर जनरल केयर की बात करें तो आपको ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होने देना है, तो आप एंटी फंगल जो पाउडर्स हैं वो दिन में लगाइए, दोपहर को लगाइए और शाम को आप क्रीम लगाइए, और एक प्रॉपर, क्योंकि आपने बताया कि आपका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो खाने की मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी और वो पूरे समय तक लेनी पड़ेगी। तो आई थिंक आप अपने आसपास जो अच्छे डॉक्टर हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनसे मिलिए और उनका पूरा ट्रीटमेंट लीजिए और पूरे समय तक ट्रीटमेंट लीजिए उसका। चलो, उम्मीद करते हैं अंजू आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनय जुड़े हैं पुणे से। जी विनय, क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? जी विनय जी, बताइए, आपकी आवाज़ थोड़ी साफ नहीं आ रही है। हम अपने दर्शकों से हम एक दरख्वास्त कर रहे हैं, कृपया अपने जो टीवी का वॉल्यूम है उसे कम कर दीजिए, उसके बाद आप अपना सवाल करें। विनय, हाँ जी विनय जी बताइए। हेलो, हाँ जी विनय जी, मैं सुन रहा हूँ। जी अभी आपके पास दांत के बारे में जानना। अच्छा, दांत के बारे में, जैसे अभी, हाँ हेलो। अच्छा विनय जी, मैं आपको दांत के बारे में बता रहा हूँ। अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि दांत का ट्रीटमेंट, पूरा ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। होता क्या कि आप शुरू में जब ट्रीटमेंट लेते हो तो आपको जो सिम्टम्स होते हैं, आपकी इचिंग, वो जो रेडनेस है, वो चली जाती है, वो उसके बाद हम ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं, लेकिन हमें बंद नहीं करना है ट्रीटमेंट। हमें, हमारा एक कोशिश रहना चाहिए कि हम पूरा ट्रीटमेंट लें और पूरा समय तक लें, तभी आपका ये फंगस इन्फेक्शन, जो जिसको कॉमन भाषा में हम दांत बोलते हैं, वो ठीक हो पाएगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर साहब, महेंद्र जुड़े हैं गाजियाबाद से। जी महेंद्र, क्या कुछ सवाल आप करना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। हाथ में लाल दाने हो रहे हैं आपके? हेलो, हाँ जी विनय जी बताइए। देखिए, जहाँ तक मैं सुन पा रहा हूँ, देखिए हाथों पे गर्मियों में हाथ लाल होना काफ़ी आम बात है। उसका रीज़न होता है कि आपके जो पसीना होता है कुछ लोगों के, वो ज़्यादा हाथों और पैरों पे, जो तलों पे बहुत ज़्यादा पसीना होता है, उस पसीने की वजह से फिर आपको इस तरह के लाल दाने बनते हैं, उनको हैंड एक्जिमा बोलते हैं या फिर पोम फोलिक्स बोलते हैं। तो कोशिश यह रहनी चाहिए आपके कि कम से कम आपका पसीना है, कुछ मार्केट में या फिर ऐसे पाउडर होते हैं जो कि आपके पसीने को कंट्रोल करते हैं, हालांकि आपको ज़्यादा नहीं लगाना है और एक डर्मेटोलॉजिस्ट से आपको डिस्कस करना चाहिए इसके लिए। तो आप इस पर ध्यान दीजिए जरा। और एक और कॉलर हमारे साथ आर्यन जुड़ गए हैं चेन्नई से। जी आर्यन, क्या कुछ जानना चाहते हैं आप?
सर मेरे चेहरे पे निशान हो रहे हैं पिंपल से, वो निशान कैसे मिटाए जाए अभी? देखिए आर्यन जी, निशान जो आप पिंपल्स के निशान अलग अलग तरह के होते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट होता है। तो पहले तो ये मान लीजिए आपकी, अगर आपके पिंपल आ रहे हैं तो पहले पिंपल को ठीक करना पड़ेगा, उसके 3 महीने बाद ही आपको कोई भी स्कार के लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके अगर एक्टिव पिंपल्स हैं तब तक अगर आप कोई ट्रीटमेंट लोगे तो फिर पिंपल बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है इसकी, तो ट्रीटमेंट कुछ प्राइमरी ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि आप क्रीम से हम ठीक कर सकते हैं उनको। अगर आपके डीप पिंपल्स स्कार हैं तो उसके लिए फिर लेजर्स या फिर कुछ दूसरे तरीके होते हैं जो कि उसको ठीक करते हैं। तो बेहतर ये रहेगा कि आप एक बार डॉक्टर के पास, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए और वही, या फिर आपको एक बार पिंपल को देख के आपका एग्जामिनेशन करके आपको एक प्रॉपरली ट्रीटमेंट बता पाएगा। चलिए आर्यन, उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब यहाँ पर आपको मिला होगा। और अपने दर्शकों से हम ये दरख्वास्त कर रहे हैं आप हमें कॉल करें, अपने सवाल पूछें, लेकिन प्लीज़ अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम रखें ताकि आप ठीक से अपना सवाल सुन सकें और हम जवाब भी दे सकें। तो अक्सर अब यहाँ पर जो कॉलर्स आए हैं उनमें फंगल इन्फेक्शन की बात कई लोगों ने कही है। आखिर कैसे हो जाता है फंगल इन्फेक्शन लोगों को, क्या कुछ वो उपाय कर सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए? देखिए समर में क्या होता है कि आपका जो ज़्यादा स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग की वजह से आपका जो फंगल इन्फेक्शन है काफ़ी कॉमन है। और ये जो फंगस है हमारी बॉडी पर ही होता है, और जब इसको अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है जैसे कि ज़्यादा स्वेटिंग या फिर ज़्यादा ऑयल स्किन पे मिलता है तो ये ग्रो करना शुरू कर देता है। तो होता है क्या कि हम जो ट्रीटमेंट लेते हैं वो ट्रीटमेंट सिर्फ सिम्टम्स के लिए लेते हैं, फंगस को इरिडिकेट करने के लिए नहीं ले पाते हैं। तो स्पेशली जो एरिया फोल्ड्स वाले एरिया होते हैं वहाँ पर इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन होता है और हमें चाहिए कि हम पूरा ट्रीटमेंट लें। और आजकल तो ऐसा हो गया कि फंगल कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो कि जो नॉर्मल मेडिसिन है उससे जा नहीं पाते हैं, तो इसलिए हमें पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए इसके लिए। और ऐसा नहीं कि जब तक इचिंग हो रही है तब तक मेडिसिन ले लिया और उसके बाद बंद कर दिया, उसके बाद भी लेना चाहिए। और जो कोशिश ये कीजिए कि आप कम से कम आपको पसीना आए या फिर आप दिन में पाउडर यूज़ कीजिए, शाम को क्रीम लगाइए, तो इस तरह से हम फंगस को ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, संतोष इलाहाबाद से जुड़ गए हैं। जी संतोष, क्या कुछ जानना चाहते हैं आप, सवाल कर सकते हैं अपना। हेलो। हाँ संतोष जी बताइए। सर मेरे फेस पे जो है ना काफी सारे ब्लैक स्पॉट्स हैं और आंखों के ऊपर पलकों पे छोटे छोटे मस्ते। अच्छा अच्छा। और नेक और अंडर आर्म, अंडर थाई, यहाँ की स्किन बिल्कुल डार्क है। ओके, क्योंकि मेरा कलर फेयर है। ओके ओके। आपका वजन कितना है? वजन सर मेरा है 88 किलो है ना। और आपकी हाइट कितनी है? 5'7" जी। ओके, देखिए ऐसा मेरा ज्यादा है। अच्छा अच्छा। हाँ देखिए, कुछ ऐसी बीमारी है जो वजन के ज्यादा होने की वजह से होती है ना। तो आप कोशिश कीजिए अपना पहले वजन कम कीजिए, और नेक के अराउंड कालेपन होना, और वैसे कालापन आपके एक्जिला में या आर्मपिट में या फिर जो इनर थाई एरिया है उसमें होना काफ़ी कॉमन होता है। तो अगर आप जितना वजन कंट्रोल करोगे ये चीज़ें काफ़ी कम हो जाएगी। और आपने बताया कि आपके आँखों के ऊपर कुछ दाने हैं, पलकों के ऊपर दाने हैं, तो वो तो एक बार देख के ही बता पाएंगे, क्योंकि वो ऐसे दाने कॉमन नहीं होते हैं। तो हमें डर्मेटोलॉजिस्ट के एक बार दिखा के उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, आपने हमें कॉल किया। और अब एक और कॉलर हमारे साथ अश्विनी जुड़ गए हैं मेरठ से। जी अश्विनी, क्या कुछ जानना चाहते हैं? हेलो। हाँ मैम। हाँ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि चेहरे पे जो है ब्लैक स्पॉट फील हो जाते हैं और मस्से फील और मस्से। अच्छा, मस्से हो जाते हैं। हाँ 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 जी, मस्से और तिल के बारे में जानना चाहता हूँ मैं। तिल बहुत ज्यादा हो रहे हैं कि गले पे और चेहरे पे। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए ऐसा है कि तिल का होना जेनेटिक होता है, और कुछ ये पाया गया है कि अगर आप धूप में ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पे तिल होने के चांसेस चेहरे पे या फिर एक्सपोज एरिया पे होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और काफ़ी मैंने देखा है प्रैक्टिस में कि तिल के लिए लोग लेज़र ट्रीटमेंट प्रेफर करते हैं, लेकिन लेज़र ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए इसके लिए। उसका रीज़न है कि तिल एक ग्रोइंग टिश्यू है, एक बार आपने ठीक करवाए वापस हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि इसके लिए, जैसे मैं इसे तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन सर्जरी सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है इसके लिए, ताकि वो पूरा टिश्यू आपका हट जाए और फिर से नहीं हो। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर साहब, प्रिया मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रिया, क्या कुछ जानना चाहती हैं? हेलो, हाय। मैं मुझे एक्चुअली बहुत रिकरिंग पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम रहती है। ऐसा नहीं है कि पूरे मंथ भर ऐसा होता है, लाइक देयर आर लाइक मैक्सिमम 1 week 10 days जब द स्किन इज क्लियर एंड उसके बाद पिंपल्स जो होते हैं तो अगले 20 दिन तक होता रहता है। एक जाता है दूसरा आता है, एक जाता है दूसरा। अच्छा, प्रिया जी आपका एज क्या है?
30 years now. Yeah. Okay, देखिए प्रिया जी, जो पिंपल्स होते हैं हम जानते हैं कि 18 से लेकर 25 साल के बीच में काफ़ी कॉमन होते हैं। अगर आपका 25 साल के बाद भी पिंपल्स हो रहे हैं तो इसका मतलब कुछ न कुछ हॉर्मोनल कारण हो सकता है, इसलिए कुछ टेस्ट आपको कराने चाहिए उसके लिए। और पीरियड्स के पहले 5 से 10 दिन पहले आपको इस तरह के पिंपल्स निकल सकते हैं, तो एक बार प्रॉपर एग्जामिनेशन करना पड़ेगा कि कहीं आपको हॉर्मोन की वजह से तो ये पिंपल्स नहीं हो रहे हैं। तो कुछ अगर आप खुद अपना एग्जामिन कर पाओ, जैसे कि बालों का झड़ना और चेहरे पे जैसे आपने पिंपल बताया, और चेहरे पे बालों का आना या फिर वजन का ज़्यादा होना और पीरियड्स का इरेगुलर होना, ये सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि आपके बताते हैं कि हॉर्मोन्स का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक बार आप डॉक्टर के पास जाइए और इसके बारे में, हॉर्मोन्स के बारे में आप डिस्कस कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया, हमें आपने कॉल किया। एक और दर्शक शशि कुमारी हमारे साथ सीतामढ़ी से जुड़ गए हैं। जी शशि, अपना सवाल कर सकते हैं आप। देखिए दिनाए, जैसे बताया कि फंगस इन्फेक्शन का एक कॉमन है, हमें दिनाए बोलते हैं हम। तो अगर आप ने पहले अगर हमसे जुड़े हैं तो आई थिंक हमने काफ़ी डिस्कस किया है फंगल इन्फेक्शन के बारे में। तो आपको पसीना ज़्यादा नहीं आने देना है स्किन के ऊपर, और कोशिश कीजिए दिन में आप पाउडर यूज़ कीजिए, शाम को आप क्रीम यूज़ कीजिए, तो इससे आपका दिनाए ठीक होगा। चलिए, ये सारे उपाय आप कर सकते हैं ताकि जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं उनसे निजात आपको मिल सके। अमित हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से। जी अमित, क्या कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, हम पूछना चाह रहे थे कि हमारे मेरा बच्चा 10 महीने का है, उसका पूरा रैशेज निकल जाता है, दाना दाना गाल पे निकल जाता है, हाथ पैर में भी निकल जाता है। जी जी, ठीक है। उसको एडी करके डायग्नोसिस किए हैं यहाँ डॉक्टर। जी जी, एडी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और एक मोमेट करके मोमेट क्रीम नाम से दिया, वो लगाने के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन जब भी वो छूटता है फिर वो हो जाता है। देखिए अमित जी, मैं आप देखिए, ये इसको बोलते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस, और ये काफ़ी कॉमन है बच्चों में। इसको बोलते हैं सेंसिटिव स्किन होना, और इसमें लाल दाने बनते हैं, स्पेशली जो फोल्ड्स वाले एरिया होते हैं, जैसे नेक हो गया, एक्जिला हो गया आपका, या फिर नीज हो गया, इन एरिया के अंदर आपको लाल दाने बनते हैं, लाल रेशेज बनते हैं, और इन बच्चों की स्किन काफ़ी ड्राई होती है और सेंसिटिव होती है। तो जैसे जैसे इनकी एयर बढ़ेगी, ये तकलीफ धीरे धीरे कम होती जाएगी। और जैसे आपने बताया कि मोमेट क्रीम लगा रहे हो आप 2 साल के बच्चे के लिए, तो आई थिंक वो ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा स्टीरॉयड होता है, तो हम कोशिश करें कि कम से कम स्टीरॉयड लगाएं हैं आपके, तो उससे उसका साइड इफेक्ट हमें नहीं मिलेगा। और मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए, क्योंकि स्किन काफ़ी सूखी रहती है, तो दिन में 4 से 5 टाइम क्रीमी फॉर्म मॉइस्चराइजर आप लगाइए, तो आपके लिए उनके लिए ठीक रहेगा। एक और दर्शक हमारे साथ रवि जुड़ गए हैं दिल्ली से। जी रवि, क्या कुछ जानना चाहते हैं आप, पूछ सकते हैं। चलिए, डिस्कनेक्ट हो गया है फोन। डॉक्टर साहब, पोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर गर्मी का मौसम है, सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, और उसी के साथ साथ जब पोल्यूशन साथ में मिल जाता है तो कितना ज्यादा मुश्किलें हो सकती हैं स्किन के लिए? देखिए, पोल्यूशन तो अब आम हो गया काफी, और स्पेशली अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रीज का जो धुआं होता है, वो जो कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी चल रहा है हमारे, तो उनकी वजह से काफ़ी केमिकल्स निकलते हैं, और ये केमिकल्स आपके स्किन पे एक फिल्म बनाते हैं, उसको बोलते हैं टॉक्सिक फिल्म। और ये जो फिल्म होती है, ये आपके स्किन को डैमेज करेगी, आपके जो पोर्स होते हैं उनको उतना ओपन नहीं होने देंगे, और जो आपका स्वेटिंग होता है उसको बाहर अच्छे से नहीं निकल पाता है, तो इसकी वजह से आपका स्किन धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो शुरू में आपको एक डलनेस नज़र आती है फेस पे, और लेकिन बाद में धीरे धीरे जब ये टॉक्सिक जो केमिकल्स होते हैं आपके सेल्स को भी डैमेज करना शुरू कर देते हैं, तो आपके जो एजिंग इफेक्ट है वो जल्दी आते हैं। और आजकल हमने देखा कि उसको बोलते हैं केमिकल पिंपल्स, तो केमिकल्स की वजह से पिंपल्स भी काफ़ी बनते हैं, और अगर खूब सारे केमिकल्स आपके स्किन पर रहेंगे, और अगर आपका स्किन थोड़ा सेंसिटिव है तो एक्जिमास बनने के चांसेस काफ़ी रहेंगे, और फिर ऊपर से अगर बात करें अपन समर्स की, तो स्वेटिंग और केमिकल्स की वजह से आपका स्किन काफ़ी डैमेज हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए दिन में 2 से 3 टाइम आप चेहरा धोइए, स्क्रब आप फेस वॉश कीजिए, उससे आपका एक डीप क्लिनजिंग होगा स्किन का, तो वो केमिकल आपके लंबे समय तक स्किन पे लगे नहीं रहेंगे, और काफ़ी स्किन हेल्दी रहेगा आपका। एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, शिवम बरेली से हैं। जी शिवम, क्या कुछ जानना चाहते हैं आप? हाँ मैडम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे तो पूरे शरीर में, पूरे तो दांत हैं और सारे काले काले पड़ रहे
जी शिवा, में दाग कहाँ पर है आपके, किस पार्ट पर है? पूरे शरीर में है जी, दाद है जी, ये सब नीचे है जी। अच्छा, दाद है आप? हाँ, गुप्त गुप्त चर्या में पूरे में दाद है जी, और पूरे शरीर में खुजली है, और मेरे हाथों में भी थोड़े लाल लाल चक्के से हो रहे हैं सर। ओके ओके, देखिए शिवम जी, दांत के बारे हमने डिस्कस किया था अभी, तो दांत का पूरा ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बार बार आपको होते रहेंगे। तो आप कोशिश कीजिए इसका पूरा ट्रीटमेंट लें, और आई थिंक अगर आप प्रोग्राम को पहले देखें तो इसके बारे में हमें काफ़ी डिस्कस किया था हमने। अंजलि हमारे साथ जुड़ गई है मुंबई से। जी अंजलि, क्या कुछ पूछना चाहती हैं आप? हाँ, पूछना था, जैसे आजकल काफ़ी धूप हो रही है बाहर, तो मतलब स्किन को किया जाए इससे? अंजलि जी, फिर से बताएंगे आपका क्वेश्चन? हाँ, मुझे पूछना था, आजकल काफी धूप हो रही है ना, तो हमारे स्किन को मतलब प्रॉब्लम ना हो, उससे कैसे मतलब? जी जी, देखिए बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पहले धूप से बचना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आप छाता यूज़ कीजिए, अपने शरीर को कवर कीजिए, तो उससे आपका जो डायरेक्ट सनलाइट की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, जो यूवी रेडिएशन की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, उनको नहीं होगी। दूसरा, आपको सनस्क्रीन अच्छे से लगाना है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। थर्ड, इसको बोलते हैं वाटर थेरेपी, आप ये मान के चलिए कम से कम 2 से 3 लीटर आपको पानी रोज़ पीना है, कम से कम 10 से 12 ग्लास। और इस पानी को पानी मत रखिए, उसको आप कोशिश कीजिए कि उसको जूस बना लीजिए, जैसे कि आपने उसमें नींबू मिक्स कर लिया, कुछ शुगर डाल लिया, कुछ साल्ट डाल लिया, उससे आपका क्या कि जो पानी की जो जो कमी है वो भी पूरी होगी, साथ साथ में आपको एनर्जी और जो मिनरल्स है वो भी मिलते रहेंगे। और डाइट की बात करें तो आप मान के चलिए कि सुबह और जो ब्रेकफास्ट और जो जो डिनर है उसमें आप लाइट खाना लीजिए, ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है आपको। कोशिश कीजिए कि आपके डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर हो, और फ्रूट्स लीजिए आप, उससे आपको पिंपल ज़्यादा सॉरी आपका स्किन में जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा नहीं होगी। और कुछ लोग जैसे कि अब स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो आप मेकअप यूज़ करते होंगे, तो कम से कम आप मेकअप यूज़ कीजिए। और आजकल ऐसे कुछ क्रीम्स आती है जो कि पिंपल्स या जैसे स्किन पे लगा सकते हो पहले, तो जो मेकअप का जो आपका केमिकल्स वगैरह हैं वो स्किन पे डायरेक्ट लगेगा नहीं, तो उससे आपका स्किन इरिटेट नहीं होगा, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो बिल्कुल, जो खाना आप खा रहे हैं उसका भी बहुत ज़्यादा असर डॉक्टर साहब यहाँ पर सीधा सीधा स्किन पर होता है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राजकुमार जुड़ गए हैं यूपी से। जी राजकुमार, क्या कुछ सवाल है आपका? जी, ये जो है जो दाने हो रहे हैं जिसे गोल गोल चिकटते चिकटते टाइप के होते हैं जी। हाँ, हमारा सवाल है कि ये जो है 6-7 महीनों से और खुजली आती है और खुजली में चकत्ते बन जाते हैं। जी जी जी, चकत्तों का इलाज होता है, दवा कराते हैं, लेकिन फिर वही चकत्ते हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समझ पा रहा हूँ मैं। देखिए राजकुमार जी, ऐसा है कि जो आपको बीमारी है जो 6 से 8 महीने से हो रही है और लाल लाल चकत्ते बनते हैं, उसको बोलते हैं अर्टिकेरिया। और ये अर्टिकेरिया किसी न किसी रीजन से होती है, और उस रीजन को हमें रूल आउट करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा और उससे हमें बचना पड़ेगा। तो सबसे पहला है कि इससे बचना पड़ेगा, और बचाव ही उपचार है इसके लिए। लेकिन क्या होता है कि 50% केसेस के अंदर हम उस कारण को रूल आउट नहीं कर पाते हैं या फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, तो इस कंडीशन में आपको जो मेडिसिन है वो लगातार लेना पड़ेगा। और कहना बड़ा मुश्किल होता है कि कब तक मेडिसिन लेंगे, लेकिन जब तक आपको ये दाग हैं वो ये चकत्ते बनते हैं तब तक आप मेडिसिन लीजिए। और हाँ, ऐसा नहीं है कि ये देखिए आप 6 महीने पहले आपको बीमारी था और हो सकता है कि 3 महीने या 6 महीने बाद में आपको नहीं होगा, और लेकिन ये वो डिजीज़ फ्री टाइम कब आएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो आएगा ज़रूर आपके लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, सरिता लखनऊ से जुड़ गई हैं। जी सरिता, क्या कुछ जानना चाहती हैं आप? हेलो जी, मैं डॉक्टर से ये पूछना चाहती हूँ कि ये मेरी बेटी 18 साल की है और जी जी, उसके अंडर आर्म्स में बहुत ज्यादा कालापन है जी जी, तो वो स्किन डॉक्टर को दिखा चुके हैं, लेकिन जब तक वो ट्यूब देते हैं तब तक तो फायदा रहता है, लेकिन उसके बाद फिर वही कालापन शुरू हो जाता है। जी सरिता जी, आपके बेटी का वजन कितना है? बेटी का वजन इधर वजन चली आ रही। हाँ, रफली बता दीजिए कितना है? वो 50 के आसपास। 50 के आसपास है। ओके ओके, ज्यादा स्वेटिंग तो नहीं आती उनको, पसीना वगैरह ज्यादा तो नहीं आता? नहीं, ऐसे तो पसीना नहीं आता है ज्यादा। अच्छा अच्छा, देखिए सरिता जी, अंडर आर्म्स का कालापन होने के 2-3 रीजन होते हैं, और कॉमन रीजन ये होता है कि आपकी स्किन थोड़ी थिक हो जाती है, जिसको बोलते हैं हम एकेंथोसिस नेग्रिकेंस, तो एक तो वो रीजन होता है। दूसरा, हम जैसे कि हम डिओड्रेंट्स वगैरह लगाते हैं तो कभी कभी उनके रिएक्शन की वजह से भी कालापन हो सकता है,
तो आजकल इससे कुछ क्रीम्स वगैरह आती है जो कि थोड़ा सा उसमें फ़र्क पड़ेगा आपके, कहना बड़ा मुश्किल है, वो तो देख के बता पाएंगे कि कितना क्या प्रॉब्लम है और कितना ठीक हो पाएगा, लेकिन आप ये बातें अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के सामने रख सकते हैं और डेफिनेटली आपका वो इसके बारे में ट्रीटमेंट करेंगे। चलिए डॉक्टर साहब, इस शो के आखिरी कॉलर एक और हम ले लेते हैं। रवि दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आप? गुड आफ्टरनून सर। सर एक्चुअली मेरा ना सेल्स एंड मार्केटिंग का काम है, तो मैं बहुत ज्यादा बाहर रहता हूँ, लाइक मीटिंग्स पे, तो मेरे को मीटिंग्स में बहुत ज्यादा बाहर जाना पड़ता है। तो मेरे को ये पता करना है कि जो एयर पोल्यूशन होता है, लाइक जितना भी हवा में जितना भी पोल्यूशन है, वो हमारी स्किन पे कैसे इफेक्ट करता है, लाइक उसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं हमारी स्किन पे? जी रवि जी, अभी इसके बारे में पूरा हमने डिस्कस किया था कि कैसे टॉक्सिन्स होते हैं जो आपके स्किन के लिए खतरनाक होते हैं। तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करके इसको देख सकते हैं, बेसिकली जो टॉक्सिन टॉक्सिक फिल्म होती है आपके स्किन को डैमेज करती है, और इससे आपके जो डलनेस और एजिंग इफेक्ट आना और केमिकल के पिंपल्स बनना या फिर एक्जिमा होना, ये काफ़ी कॉमन होता है। तो आप कोशिश कीजिए इन चीज़ों से बचें। आप दिन में 2 से बार अपना फेस वॉश कीजिए और अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाइए। विटामिन सी आप रात में लगा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्किन को के लिए अच्छे नहीं होती है, लेकिन विटामिन सी इसको स्किन को रिपेयर करने का काम करता है। तो आजकल तो सीरम्स भी अच्छे आते हैं, तो आप इवनिंग में वो लगा सकते हैं पूरे फेस पे। चलिए, उम्मीद करते हैं रवि आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा, और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप थैंक हमारे यू। साथ जुड़े और इन तमाम सवालों का आपने जवाब दिया। और उम्मीद करते हैं हम कि जिन दर्शकों ने हमें फोन किया था, जो वो समस्या उनकी थी, उनका उपचार उन्हें जरूर मिला होगा। उनको फॉलो कीजिए, जो जो सारे टिप्स डॉक्टर साहब की तरफ से दिए गए हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो शायद जितनी प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं वो जरूर कम हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।